हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अब डेली बेसिस पे वीडियोस आएंगी और कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूं आपके प्रिपरेशन में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें सेल्फ स्टडी के ऊपर और अपनी ही स्ट्रैटेजी बना करके, अपने छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपने अंतिम गंतव्य यानी कि लक्ष्य तक पहुँच सको। क्या लक्ष्य मैंने आपको बताया था? आपका लक्ष्य होना चाहिए टॉप 100 रैंक। किसी भी कीमत पर आपका रैंक डबल डिजिट या सिंगल डिजिट में होना चाहिए, तभी जा करके आपको आपके पसंदीदा प्लेस ऑफ पोस्टिंग और पोस्ट मिलेगी, ठीक है। और कल ही मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे आपके डेट को लेकर के, जो एसएससी सीजीएल 2022 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है 10 सितंबर को, जैसा कि एसएससी ने कहा है कि हम 10 सितंबर को नोटिफिकेशन डालेंगे, तो उसकी डेट क्या हो सकती है। और जनरली मुझे बच्चों ने बताया है कि अभी क्या हो रहा है ना, बहुत सारे चैनल आपको बता रहे हैं कि 6 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो 6 महीने की स्ट्रैटेजी बनाओ। तो ऐसा नहीं है। देखो, मैंने पूरा 3 साल का डेटा निकाला है एसएससी कितना समय, मतलब कि मिनिमम समय कितना रहेगा हमारे पास में। देखो, कहने को तो 6 महीने क्या, एसएससी ये लिखता है अपने नोटिफिकेशन में कि ये टेंटेटिव डेट्स होती हैं, अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, मान लो कोविड की वजह से या किसी और रीज़न से, तो वो एग्ज़ाम डिले हो जाती है, कई बार हुई भी है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि मिनिमम टाइम कितना हमारे पास है। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो कि हमें प्रिपरेशन में हेल्प कर सके, मतलब हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग हम बना सकें। आप किसी के कहने में मत आना कि 6 महीने बाद होगी या 9 महीने बाद होगी, ऐसा नहीं है। हमें डेटा के ऊपर चलना पड़ेगा कि एसएससी मिनिमम मतलब कम से कम समय में कब एग्ज़ाम ले सकता है, ठीक है। तो मैंने डेटा निकाला पूरे 3 साल का, 2019, 20 और 21 के सीजीएल में एसएससी कब नोटिफिकेशन निकालता है, कितना समय नोटिफिकेशन मतलब कि एग्ज़ाम में अप्लाई करने में आपको लगता है, और उसके बाद आखिरी डेट की बात में टीयर 1 आपका कब होता है, टीयर 2 कब होता है, ठीक है। देखो सर, 2019 वाला जो नोटिफिकेशन है 22 अक्टूबर 2019 को आया था और 25 नवंबर तक आपको फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया गया था, मतलब लगभग 1 महीना 5 दिन, यानी कि 30 से 35 दिन एसएससी आपको देता है फॉर्म भरने के लिए। और उसके बाद 2 मार्च को आपका टीयर 1 का डेट था, तो यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो लगभग 90 दिन से ज़्यादा आपको यहाँ मिल रहा है, टोटल 90 प्लस डेज आपको यहाँ मिल रहे हैं। वैसे 95-97 डेज हो रहे हैं, पर हम 90 दिन लेके चलते हैं, मतलब कि 90 दिन बाद एसएससी ने आखिरी डेट जो आपके अप्लाई करने की थी वहाँ से 90 दिन बाद एसएससी ने टीयर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। और अगर टीयर 2 की आप बात करो तो ये 11 मार्च को ख़त्म हो रहा है, तो अप्रैल, मई और आधा जून, तो यहाँ भी लगभग आपको 90 दिन ही मिल रहे हैं, 90 दिन तो नहीं 80 दिन मिल रहे हैं, 80 दिन के बाद आपका टीयर 2 हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं 2020 वाले टीयर 1 की एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर आपकी 29 दिसंबर 2020 को आपका नोटिफिकेशन आया था और 31 जनवरी तक आपके फॉर्म भराए थे, यानी कि यहाँ पर भी आपको लगभग 35 डेज तक आपको फॉर्म भरने के लिए दिया गया था। तो जब नोटिस आता है तो आपको 30 से 35 दिन आपके फॉर्म भरने को मिलते हैं, और जो एग्ज़ाम आपका हुआ था वो 29 मई को हुआ था, टीयर 1 का स्टार्ट हुआ था 29 मई से 7 जून था। एक्चुअली ये डेट थी, बाद में शायद पोस्टपोन हुई थी आई थिंक कोविड की वजह से, बट हम उस डेट की बात कर रहे हैं जो एसएससी आइडियल तरीके से रखता है, मतलब कि आइडियल कंडीशन जो है कि एसएससी जिस तरीके से काम कर रहा है या करता है, उसकी जो प्रोसेस है उसमें कितना टाइम लगेगा एग्जाम होने में, वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ बात करेंगे तो आपके पास में कितना टाइम मिल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई पूरा, मतलब कि लगभग 110 दिन से ज़्यादा, 120 दिन आप पकड़ लो, पूरा ही महीना निकल गया मई का, ठीक है। 120 डेज बाद आपका टीयर 1 हुआ था, कब, आखिरी डेट ऑफ अप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब लेटेस्ट वाली जो एग्ज़ाम अपनी चल रही है अभी उसकी बात करेंगे तो 23 दिसंबर 2021 को नोटिफिकेशन आया और 23 जनवरी 2022 तक आपको फॉर्म भरने के लिए अप्लाई किया दिया गया था। यहाँ पर फ्रेंड्स, इस बार सीजीएल में एसएससी ने एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस की थी। कई बार क्या होता था ना, बच्चे अप्लाई करते थे तो किसी ने फोटो गलत लगा दिया, किसी ने साइन गलत कर दिए, कोई डेट डालना भूल गया फोटो में, एसएससी पहले मांगता था, अब तो शायद नहीं मांगता है, ठीक है। तो वहाँ पर एसएससी ने क्या करा, इस बार 23 जनवरी के बाद में 28 जनवरी से 1 फरवरी 5 दिन आपको दिए थे करेक्शन के लिए, कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप करेक्शन भी कर सकते हो। तो अगर आप देखेंगे ना तो 1 महीने के बाद में यहाँ पर 23 के बाद में 1 हफ्ता और एक्सटेंड हो गया, तो लगभग आप समझ लो कि 40 दिन आप इस बार मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 फरवरी तक आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया और 1 फरवरी के बाद में फरवरी, मार्च और 10 अप्रैल, यानी कि 70 डेज के बाद में एसएससी ने अपना टीयर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया। अब देखो, यहाँ पर इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा डेट एग्ज़ाम कब हो सकता है, मतलब कि 10 सितंबर को अगर एसएससी अपना नोटिफिकेशन निकालता है तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से आप 40 दिन गिन लो, जो कि 10 सितंबर से वो 10 अक्टूबर देगा आपको फॉर्म भरने के लिए, फिर उसके 3-4 दिन बाद आपको वो करेक्शन के लिए विंडो देने वाला है। तो ऐसा मान सकते हैं कि 20 अक्टूबर तक आपके फॉर्म सबमिट हो जाएंगे, 20 अक्टूबर को आपका आखिरी दिन होगा फॉर्म सबमिट करने का, मतलब कि करेक्शन वाला जो फॉर्म होगा वो,
है ना। इसके बाद आप जो कि हमारा लेटेस्ट ट्रेंड है, 70 दिन में SSC ने अपना CGL कंडक्ट करवा लिया। इसका मतलब 20 अक्टूबर को अगर 20 अक्टूबर में हम 70 दिन ऐड करते हैं तो 20 नवंबर, 20 दिसंबर और 30 दिसंबर आ गया, ठीक है। तो अगर 70 डेज में मिनिमम अगर जोड़ दूँ इसमें तो 30th ऑफ दिसंबर से आपका SSC CGL 2022 का Tier 1 हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी के कहने मत आओ आप कि एग्ज़ाम 6-6 महीने बाद होगा, 6 महीने की स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आप मान के चलो और देखो नोटिफिकेशन में SSC ने कैलेंडर में लिखा हुआ है कि 10 सितंबर को तो नोटिफिकेशन आएगा और हम दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम ले लेंगे Tier 1 का। और मुझे ऐसा लगता है कि SSC चाहता है कि तो 2022 वाला जो एग्ज़ाम है वो कैसे भी करके 2022 में ही कंडक्ट करवा लिया जाए, ऐसा मुझे लगता है कि SSC की इंटेंशन है और वो अच्छा भी है। ऑलरेडी एग्जाम्स डिले हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम SSC अब कर रहा है, तो चीज़ें काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो रही है, लाइन टाइम पे हो रही है। तो मुझे ऐसे उम्मीद है कि भले ही एक दिन एग्ज़ाम हो, चाहे वो 30 तारीख को करवाए, लेकिन SSC जो है CGL का Tier 1 दिसंबर के महीने में करवा लेगा स्टार्ट, ठीक है। तो आप ये मान के चलना, आप इसी को बेंचमार्क मान के चलो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 5 महीने हैं। 5 महीने में से आपका 1 तारीख निकल गई कल की और 1-2 तारीख यहाँ पे गिन लेना, ठीक है ना। तो 4.5 महीने आप पकड़ लो, लगभग आप 140 दिन के आसपास मान सकते हो, 140 डेज आपके पास में है फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ Tier 1। तो जो भी स्ट्रैटेजी बनाओ, जो भी आपका आगे आप तैयारी रणनीति होना चाहिए वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो आपके पास अवेलेबल टाइम है। किसी ने बोल दिया कि 6 महीने बाद होगा तो 180 दिन की स्ट्रैटेजी मत बनाना, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि Tier 1 और Tier 2 के बीच में गैप कितना होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको देखो होता क्या है ना, क्वांट और इंग्लिश आता है Tier 2 में और इंग्लिश Tier 1 में भी आता है, बट Tier 1 में जो लेवल होता है ना वो कंपेरेटिवली थोड़ा ईजी होता है, तो हमको तैयारी भी वैसी करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो 21 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ इस बार का Tier 1 का और 8 अगस्त को आपका Tier 2 का एग्ज़ाम है अभी, तो अप्रैल आधा गया, मई, जून, जुलाई, 3 महीने कम से कम मिलते हैं आपको। इसका मतलब आपका Tier 1 का एग्ज़ाम जब ख़त्म होगा तो Tier 2 और Tier 1 के जो बीच में गैप होगा मिनिमम 3 महीने का होने वाला है, ठीक है। तो 90 डेज इज़ गुड इनफ फॉर, अगर आपने Tier 1 अच्छा दे दिया है तो 90 दिन का समय कम नहीं होता, ये बहुत अच्छा समय है, आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन प्लान कर सकते हो। कई बच्चों ने ये पूछा है कि जो 2023 वाला एग्ज़ाम है, मतलब कि 22 वाला नहीं जो और आने वाला एग्ज़ाम है, वो कब तक हो सकता है। मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली SSC का रूल होता है, जब तक पुराने वाले का Tier 1 नहीं होता ना, SSC नए वाले का Tier 1 नहीं करवा सकता। मतलब कि जब तक ये वाला Tier 1 कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक वो Tier 1 नहीं करवा सकता, ठीक है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप नेक्स्ट वाले की बात कर रहे हो, नेक्स्ट वाला जो CGL है वो पॉसिबली अप्रैल, मई में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है अगले साल। तो वो स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में अभी है या सेकंड ईयर में जो सोच रहे हैं कि हम अगला वाला CGL देंगे क्योंकि वो उसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, तो पॉसिबिलिटी ये है यहाँ पर आपकी कम से कम अप्रैल तक जाएगा, मार्च अप्रैल तक आपका SSC CGL 2023 का Tier 1 हो सकता है। बट फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, बातों में मत आओ किसी की भी, आपको मिनिमम टाइम लेके चलना है। मिनिमम टाइम क्या है, 140 डेज आपके पास में है। अगर आप आज से काउंट कर रहे हो 140 दिन आपके पास में, 140 दिन की तैयारी आपको करनी है। 140 डेज में आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उस पर काम करना है, ना कि ऐसा कोई अनचाही डेट ले लो कि अब 6 महीने बाद है, 6 महीने पड़े हुए हैं और हम आराम से करते रहेंगे। क्योंकि जनरली देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं कितनी बार ये बात बोलता हूँ आप लोगों को कि ये जो एग्ज़ाम है ना, ये कोई स्कूल या कॉलेज की एग्ज़ाम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। यहाँ पर आप बेसिकली जब आप पढ़ाई करते हो ना तो कहीं ना कहीं आप एक भीड़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे होते हो, और जितनी ज़्यादा ताकत आप प्रिपरेशन में लगाते हो उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आप आगे बढ़ोगे, बाकी लोग आपसे पीछे जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन है। आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि आपने 100 में से इतने नंबर लिया है, आपका सिलेक्शन इसीलिए हो रहा है कि आप जितने लोग वहाँ बैठे थे एग्ज़ाम में उनसे ज़्यादा नंबर आप लेकर आए हो। समझ में आई बात? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को देख करके अपना कंपटीशन बनाओ, ऐसा नहीं है। कंपटीशन हमेशा अपने आप से होना चाहिए, जो भी आप कर रहे हो कंपटीशन अपने आप से करो, अपने आप को देखो डेली बेसिस पे आप कितना परफॉर्म कर रहे हो और क्या आपका परफॉर्मेंस है, और उसके बेसिस पे अपना इवैल्यूएशन करो, ठीक है। उसके लिए हालांकि चिंता मत करना, सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, सेल्फ स्टडी की कितनी सारी टेक्निक्स है जो मुझे पता है, वो सब मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपको बताऊंगा ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको। और मेरा विश्वास करना फ्रेंड्स, ये कोई ऐसा नहीं, मतलब मैं कोई कोर्स बेचने वाला हूँ सेल्फ स्टडी का, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ जो मुझे पता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताऊंगा। और मेरा विश्वास करना, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। तुम कितने भी कोर्स ले लेना, कितनी भी कोचिंग कर लेना, तुम किसी टीचर के घर में जाकर रह लो तो भी मैं आपको बता रहा हूँ काम आपको ही करना है। कोई टीचर आपका हाथ पकड़ के आपकी एग्ज़ाम नहीं देगा, एग्ज़ाम में आपको खुद को एग्ज़ाम में बैठना होगा। तो जब आप एग्ज़ाम में खुद बैठोगे 1 घंटा
तो उसके लिए आपको खुद को ही अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और बिना सेल्फ स्टडी के ये पॉसिबल नहीं है, बिना सेल्फ स्ट्रेटेजी के, सेल्फ इवैल्यूएशन के पॉसिबल नहीं है। तो आपको फोकस करना है सेल्फ इवैल्यूएशन पे, अपने आप के ऊपर काम करना है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, और कैसे अपने आप को हम डे टू डे बेसिस पे इम्प्रूव कर सकते हैं। डेली रूटीन के लिए कई सारे बच्चों ने बोला है कि हमारा क्या रूटीन होना चाहिए, आइडियल रूटीन मतलब क्या होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आपके पास में एक्चुअली चार सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में, ठीक है, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए। अब यहाँ पर रीजनिंग और जीए ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इनको आप चाहोगे कि यार क्यों पढ़ें, क्योंकि हमारा बेसिकली कि 50 नंबर के आ रहे हैं, 100 नंबर के 50 क्वेश्चन ही हैं। आपका जो ज़्यादातर पाला पढ़ना आगे चल के वो काउंटर इंग्लिश से पड़ेगा, क्योंकि उसका वेटेज 400 नंबर और इधर 100, 500 नंबर का काउंटर इंग्लिश आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ आपको ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। तो कैसे अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हम इंग्लिश, रीजनिंग और जीए में, दोनों सब्जेक्ट में जो कि लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन उस पर भी अच्छा स्कोर कर सकें, तो ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी जिस पर आपको काम करना पड़ेगा, कैसे रिवीजन करना है, जो भी आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज कैसे करना है, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूँ कई बच्चों में मिसकंसेप्शन होता है और सिलेक्शन उनका इसलिए भी नहीं होता है। मिसकंसेप्शन क्या है कि उनको लगता है कि हम पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे उसके बाद रिवीजन करेंगे, आज से पढ़ना शुरू कर दिया, 3 महीने तक पढ़े जा रहे हैं और फिर 4th महीने मुझे एग्जाम आने वाली है, 1 महीने पहले खोल के रिवाइज करना शुरू कर रहे हैं। ये कभी मत करना फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा ब्लंडर आप लोग करते हो। रिवीजन जो होता है ना वो पैरेलल चलता है, जैसे आपने कोई टॉपिक ख़त्म किया, एक चीज़ आपने पढ़ ली है, उसको छोड़ना नहीं किसी भी हालत में, उसका पैरेलल रिवीजन स्टार्ट कर दो, उसको साथ साथ पढ़ना शुरू कर दो। जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तब कहीं जाकर के आपका जो भी आपने पढ़ा है ना वो परमानेंट मेमोरी में जाएगा। एग्ज़ाम में ना आपका जो टाइम है ना वो लिमिटेड होता है, आपको अनलिमिटेड टाइम नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब जैसे ही क्वेश्चन सामने आ रहा है ना आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, और तुरंत आपको क्लिक तभी वही चीज़ करेगी जब आपकी परमानेंट मेमोरी में पड़ी हुई है, वो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, स्वतः आना चाहिए। कोई आप क्वेश्चन सामने आया, ज्योमेट्रिक आया, ट्रिग्नोमेट्रिक आया, तुरंत अपीयर होना चाहिए माइंड में, क्लिक करना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है, वहाँ पर सोचने का टाइम नहीं होता है, ठीक है। और वो तभी हो पाएगा जब आपने जो आज पढ़ रहे हो उसका पैरेलल रिवीजन की एक स्ट्रेटेजी आप बना के चल रहे हो। तो आप पढ़ाई कर रहे हो ये ठीक है, इसका शेड्यूल होना अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन की भी स्ट्रेटेजी होना चाहिए। रिवीजन को आप कैसे करते हो, उसको कैसे आप फोकस तरीके से कर रहे हो, जो भी आप रिवीजन कर रहे हो उसको रिपीट कितनी बार करना है, हर इंसान पर अलग अलग रहता है। कोई इंसान 2-3 रिवीजन में भी उसका काम हो जाता है, किसी को 10 बार एक चीज़ को रिवाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा पर्पज़ ये होना चाहिए कि हम कैसे रिवाइज़ अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ध्यान रखना ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय, लिमिटेड टाइम है। ज़्यादा कोचिंग, ज़्यादा कोर्स, ज़्यादा लोगों से ज़्यादा वीडियो देखने में टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि अल्टीमेटली काम आपको अपने आप के ऊपर ही करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा अपने आप पर फोकस करोगे, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आपका स्कोर बढ़ेगा, स्कोर बढ़ेगा तो रैंक अच्छी आएगी, और रैंक अच्छी आएगी तो मैं बता चुका हूँ फेवरेट प्लेस ऑफ पोस्टिंग, फेवरेट पोस्ट, ये तभी मिलेगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो तैयारी कर लो, ज़्यादा समय नहीं है। और अब जो भी आपको लगता है कि कोई एरिया ऐसा लगता है, जैसे आप रूटीन की अगर बात करें तो रूटीन पे वीडियो बनाऊंगा मैं, डेली रूटीन पे आने वाला है, कल या परसों में आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक है जिससे आप चाहते हो कि वीडियो बनाऊं, कोई ऐसी चीज़ है, इशू आपको परेशान करते हैं, तो आप लिख सकते हो, सेल्फ स्टडी से लेकर के या कोई भी चीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।